पर नीचे हो जाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, आज फिटनेस फ्रेंडरी चैनल पे आज और एक बार आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज का टॉपिक रहेगा, सपोर्टर पहनना जरूरी है क्या या लंगोट पहनना जरूरी है, तो इसके फायदे है या नुकसान है, इसके बारे में आज सर पूरा डिटेल में बताएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप। जैसे कि हमने बताया था कि हम हर बार जो है आप लोगों के लिए नया कंटेंट लेके आने वाले हैं। सो आज जो हम बात करने वाले सपोर्टर्स के बारे में, मैं कुछ साइंस के हिसाब से भी बताऊंगा कि सपोर्टर पहनना क्यों ज़रूरी है, अगर लंबे टाइम तक सपोर्टर पहना तो क्या होगा, क्या रनिंग में पहनना चाहिए, क्या अपर बॉडी कट समय पहनना चाहिए, कि लोअर बॉडी कट समय पहनना चाहिए। काफ़ी सारे सवाल जो है क्रिएट होते हैं आपके दिमाग में जहाँ पर सपोर्टर के बारे में बात आती है, क्या सपोर्टर सही है कि लंगोट सही है। तो सारे सवाल जो है आपके इस वीडियो में दूंगा, लेकिन आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है, आपका प्यार देना है। मिनिमम आपको ये वीडियो जो है 3 लोगों को शेयर करने है, और इस वीडियो को लाइक करिएगा क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। सो ये है टारगेट है 5000 लाइक्स का। प्लीज़ दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करके सपोर्ट करिए। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो के ऊपर। जब जिम करता था, जब मैं 16-17 साल का था, तो हमेशा से जो है ना, वो जिम के जो हमारे मास्टर जी जो थे, तो हमेशा से मुझे बोलते थे कि लंगोट पहन। तब भी सपोर्टर्स वगैरह इतने नहीं आते थे, मैं बात कर रहा हूँ 16-17 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो बोलते थे लंगोट पहन, लेकिन उनको भी एग्जैक्ट रीजन नहीं पता होता था। वो बोलता था अगर नहीं पहनेगा ना तो प्रॉब्लम आ जाएगा, तेरे टेस्टिकल्स में पानी भर जाएगा। लेकिन दोस्तों मुझे आज पता है कि वो जो बात जो बोलते थे वो सही बोलते थे। मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा इस वीडियो में साइंटिफिक रीजन से। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, जब भी आप सपोर्टर नहीं पहनते हो और अगर आप हैवी वर्कआउट, हैवी वेट्स लिफ्ट करते हो, लेग्स वर्कआउट करते हो या रॉन्ग टेक्निक भी करते हो, तो दोस्तों यू विल एंड अप विद हैविंग हर्निया। हर्निया के सिम्टम्स बहुत बढ़ जाते, बहुत हद तक बढ़ जाते अगर आप रॉन्ग तरीके से वेट्स भी लिफ्ट करोगे ना तो भी, क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है हमारे लोअर एब्डोमिनल एरिया से। अगर आप सपोर्टर नहीं पहनते हो, डजंट मैटर, मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन आपका जो कोर एरिया इतना स्ट्रांग रहना चाहिए ना कि आप कितना भी वजन उठाए तो आपके जो लोअर बैक पे या कहीं पर भी स्ट्रेस नहीं जाना चाहिए। सपोर्टर एक सेफ्टी के हिसाब से बोलते हैं, क्योंकि हर बंदा जो है वर्कआउट सही नहीं करता, कोई गलत उठा लेता है, कोई ऐसा कर लिया, किसी का जो है कोर पहले से ही वीक है भाई, कितना भी वर्कआउट कर लेता है। तो ये एक रीजन बन जाता है कि अगर आपको सेफ साइड रखना है तो भले आप लंगोट पहनो, भले आप सपोर्टर पहनो, कुछ भी पहनो, बट डजंट मैटर, बट मेक श्योर के वो चीज़ जो है आप टाइट पहनो। अभी दोस्तों मैं आपको सिंपल फॉर्मूला में ये चीज़ समझाऊंगा, अगर आप बहुत टाइम तक सपोर्टर नहीं पहनते हो, अगर आपका जो है लोअर एब्डोमिनल एरिया अगर वीक है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहले पता है क्या आएगा, सबसे पहले आपको आपके टेस्टिकल्स एरिया में सबसे पहले आपको पेन होगा। उसके बाद में सेकेंड जो सिम्टम्स आ जाएगा वो हो जाएगा स्वेलिंग। थर्ड सिम्टम्स जो आ जाएगा वो है बॉल का ट्विस्ट होना, मतलब जो है टेस्टिकल्स ऊपर नीचे हो जाता है। और सबसे मेन सिम्टम्स जो आ जाता है उसके बाद में अगर फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया तो दोस्तों हो जाता है हर्निया। हर्निया में क्या होगा कि आपको ना उसमें सिर्फ आपको जो है सर्जरी ही करानी पड़ेगी, ताकि जो है हर एक चीज़ बैक टू होलो, जैसे आपको डॉक्टर के पास में जाके, आपको जो है सर्जन के पास में जाके सर्जरी ही करानी पड़ेगी, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे लोग आज भी बिना सपोर्टर के जो है वो वर्कआउट आज भी करते हैं, लेकिन आज तक कभी किसी को हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि कोर एरिया जो है वो स्ट्रांग है, टेस्टिकल्स का रिलेशन है लोअर एब्डोमिनल से, वो वीक है तो आपको ये प्रॉब्लम फ्यूचर में आ सकती है। सबको नहीं आती, अभी ये मत सोचो कि मैं सुपरमैन है भाई, मेरे को नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता, होता है और मेरे सामने काफ़ी सारे लोगों को, बॉडी बिल्डर्स लोगों को तक हुआ है। सो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आपको जो है समझ में आ गई होगी कि आपको सपोर्टर्स अभी क्यों पहनना ज़रूरी है, क्योंकि वो एंड अप होता है हर्निया में। इसके बाद में हम चलते हैं मोंटू के कुछ क्वेश्चंस है जो वो लिख के लेके आया है कि लंबे टाइम तक पहनना की वगैरह वगैरह, तो 3-4 क्वेश्चंस है, वो भी मोंटू क्वेश्चन करेगा जिसका मैं आपको जवाब दूंगा। जो उसने जो क्वेश्चंस रखे हैं वो 4-5 लोग, उसके जो दोस्त जो है उन्होंने मिलकर एक सवाल बनाया ये चीज़ के ऊपर कि अगर इसको ऐसा पहने कि गलत पहने या लंबे टाइम तक पहने कि क्या होगा, तो वो भी मैं साइंस के हिसाब से बताऊंगा। तो मोंटू तुम्हारा जो क्वेश्चन जो था तुम लिख के लेके आए, वो प्लीज़ ज़रा दर्शकों को बताओ। सर मेरा क्वेश्चन है कि ज़्यादा टाइम तक लंगोट पहनना सही है कि नहीं। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है,
ज्यादा टाइम तक जो है सपोर्टर आपको नहीं पहनना है, जब भी तक आपका वर्कआउट चल रहा है समझो, मोस्टली आपने जो है लेग्स वर्कआउट आपका हो गया, आपका वेट लिफ्टिंग वगैरह सब हो गया है, तो प्लीज आप घर पे जाके आप अपना सपोर्टर निकाल लीजिए। उसका साइंटिफिक रीजन ये है कि वहां पर जब सपोर्टर इतना टाइट रहता है ना, तो आपके ग्रॉइंस एरिया में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, तो भी एक साइड इफेक्ट हो जाएगा कि वहां पर जो है आपके टेस्टिकल एरिया में स्वेलिंग भी हो सकती है। सो ये एक रीजन आ जाता है कि आपको ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं पहनना है। मोंटू, सवाल नंबर दो। सर, दूसरा क्वेश्चन है कि सपोर्टर पहनने से मुझे बहुत इचिंग होता है, तो दांत खात खुजली, बीटेक्स बल्ला लगा नहीं रे लुकिंग। सो ये था सेकंड सवाल कि लंबे टाइम तक पहनने पर इचिंग इस करके होता है क्योंकि जो काफी सारे लोगों को जो स्वेट आता है वो मैक्सिमम वही एरिया में जमा हो जाता है। सिंपल फंडा, जैसे कि मैंने आपको जो फर्स्ट पॉइंट में बताया था वो चीज आपको इसमें रिपीट करनी है, इचिंग होती है। सो प्लीज घर पे जाओ नहाओ, घर पे जाओ नहाओ और सपोर्टर निकाल दो, रिलैक्स करो, बाद में थोड़ा टाइम बाद आप जाके नहा लेना। हम लोग अभी वो भी स्टडी कर रहे हैं कि अगला वीडियो क्या लेके आया है, कि गर्म पानी से नहाना चाहिए कि ठंडे पानी से नहाना चाहिए, तो इसके ऊपर भी बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है। सर, तो मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि हर स्पोर्ट्समैन सपोर्टर पहन सकता है क्या? हर एक स्पोर्ट्समैन जो है मोस्टली जो सपोर्टर पहनते हैं सेफर साइड होने के लिए, जैसे कि मैंने बताया था, लेकिन ज़्यादा करके स्ट्रॉन्ग मैन, पावर लिफ्टर्स, वेट लिफ्टर्स ज़्यादा करके ये लोग ही पहनते हैं, क्योंकि जहाँ पर उनका लोअर एब्डोमिनल एरिया और लेग्स एरिया जहाँ पर उनका इन्वॉल्व होता है, तो वो सेफर साइड चलने के लिए, ताकि हर्निया ना हो जाए, तो इस करके जो है मैक्सिमम जो वेट लिफ्टर्स जो रहते हैं, वेट लिफ्टर स्ट्रॉन्ग मैन वाले, मैक्सिमम वो लोग जो है वो पहनते हैं। सर, तो मेरा फोर्थ क्वेश्चन है कि साइकिलिंग और रनिंग करने वाले लोग को सपोर्टर पहनना जरूरी है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से एक्चुअली रनिंग और साइकिलिंग वालों को जरूरी नहीं है पहनना, साइकिलिंग वालों को तो कतई भी नहीं है, रनिंग वाले कुछ देर तक पहन सकते हैं जो लॉन्ग रनिंग वाले को, जो शॉर्ट रनिंग वाले मुझे लगता नहीं कि उनको ज़रूरत है वो चीज़ की। एक टाइट अंडरवेयर भी जो है जो आप पहनते हो वो भी इस मोर देन इनाफ है, सिर्फ ज़्यादा करके इन्वॉल्वमेंट जो है लेग्स वर्कआउट में लगता है। सर, तो मेरा फिफ्थ सवाल है कि हम चेस्ट वर्कआउट करते, बॉडी वेट ट्रेनिंग करते, तो उसमें भी ज़रूरी है क्या सपोर्टर? मीन्स ये बोल रहे हो कि अपर बॉडी मूवमेंट्स? या बिल्कुल नहीं। देखिए, जहाँ पर आपका आप लेट के आप चेस्ट मार रहे हो, बैठ के आप बैक का मूवमेंट कर रहे हो, तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है। मैं अभी आपको ये बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर ज़रूरी है आपको सपोर्टर पहनना। कंप्लीट लेग्स वर्कआउट, स्क्वाट से लेके, लेग प्रेस से लेके, लंजेस से लेके, कंप्लीट लेग्स वर्कआउट में क्रॉसफिट वर्कआउट, उसके अलावा आ जाते हैं डेडलिफ्ट वर्कआउट, बैक के एक्सरसाइज के समय भी जो है उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्योंकि आप बेंड ओवर रोइंग करते हो और अपना ये डेडलिफ्ट वगैरह करते हो, तो वहाँ पर भी जो है जो अपना सपोर्टर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बाकी चेस्ट करो, बैक करो, बाइसेप्स करो, बैठ के लेट के आप कुछ भी वर्कआउट करो, तो उसमें सपोर्टर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। और इवन अगर आप शोल्डर, अगर मिलिट्री प्रेस अगर आप ओवरहेड कर रहे हो, तो उसमें भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें भी आपका कोर एरिया, लोअर बॉडी एरिया जो है उसमें अपना इन्वॉल्व नहीं होता है, तो वो टाइम पे भी जो है आप सपोर्टर पहनने की जरूरत नहीं है, मोस्टली वो टाइम पे जरूरत नहीं है। सर, मेरा और एक सवाल है कि पूरा दिन सपोर्टर हम पहन सकते क्या? देखिए, सपोर्टर जो है इतना टाइट रहता है, तो क्यों? उसका रीजन ये है कि आपका जो टेस्टिकल का एरिया का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ये उसका मेन रीज़न है। लेकिन अगर वही चीज़ लॉन्ग टाइम तक अगर हम पहन के रखेंगे, तो वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रुक जाएगा। हाथ ऐसा जोर से पकड़ के रखो, ऐसा सर्कुलेशन रुक जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो ये उसके साइड इफ़ेक्ट्स है। जब तक आपका वर्कआउट चल रहा है तब तक आपको यूज़ करना है, उसके बाद में आपको निकाल देना। नहीं निकालोगे तो जैसे बताया था, ईचिंग हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, तो ये सब उसके साइड इफेक्ट्स है। जितना टाइम आपने किया बस उतना टाइम यूज़ करो, दैट्स इट, बस उतना ही। होप तो दोस्तों आप लोग को बहुत इजीली समझ गया रहेगा कि सपोर्टर और लंगोट पहनने के क्या क्या बेनिफिट है। तो दोस्तों, और भी वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, नए हो तो, एंड नोटिफिकेशन बेल दबाना भूलना नहीं, क्योंकि अपडेट नहीं मिलेगा तुमको नोटिफिकेशन नहीं दबाओगे तो बेल। हमारा इंस्टाग्राम पेज पर भी आप जाकर फॉलो कर सकते हो, और वहाँ पे भी आप कुछ सवाल भी होंगे तो वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हो, हम लाइव वगैरह भी आते हैं वहाँ पर, एंड नीचे आप कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हो, और भी कोई डाउट आपका रहेगा तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, कमेंट के तो आपके जवाब आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा, स्टे फिट, स्टे ऑसम, मिलते हैं अगले वीडियो में।